हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस तरीके से छोटी वाली मछली को फ्राई करके कभी नहीं खाया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेटर होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ छोटी वाली मछली को फ्राई करने का तरीका, किसे हम किस तरीके से बनाएंगे जिससे कि ये क्रिस्पी बने। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है एक बाउल, क्योंकि हमें सबसे पहले बनाना है एक मसाला। इसके लिए मैंने यहाँ पे इसमें डाला है 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 चम्मच डालेंगे नमक, आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर और पिंच ऑफ डाल देंगे इसमें हल्दी, और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया का पाउडर, और 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्ची पाउडर, और 1/2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, पिंच ऑफ डाल देंगे हम इसमें रेड फूड कलर, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 नींबू का जूस, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप यहाँ पे इसे नींबू का जूस जरूर डालिएगा। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मुझे मसाला हल्का सा गाढ़ा लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच पानी ऐड कर दिया है, जिससे कि ये हल्का सा पतला हो जाएगा और मछली पर ये बहुत अच्छे से कोट हो पाएगा। तो यहाँ मैंने मसाला बना के तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे ली है छोटी वाली मछली, इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और ये एकदम साफ है। तो इस मछली को हम डाल देंगे मसालों में और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिला देंगे। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक एक मछली मसालों में कोट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट हो गया इसे मैरिनेट होते हुए, और मछली में जो फ्लेवर है मसालों का वो चला गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे इसमें बाइंडिंग के लिए 1/2 कप चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह पे मैदा या कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप बेसन। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप इसकी जगह पे मैदे की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने इन दोनों चीज़ों को डाल दिया है, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी। तो अब हम इसे यहाँ पे अच्छी तरह से मिला देंगे, जिससे कि मछली अच्छी तरह से इसमें कोट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मछली में अच्छी तरह से इसे कोट कर लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो मछली को फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है 1 कढ़ाई में ऑयल। अब हम इसमें एक एक मछली डालते जाएंगे, और जब ये एक साइड से गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगे तब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो एक बार में जितनी कढ़ाई में आती हैं आप उतनी ही फ्राई करें। तो यहाँ पे आपको गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है। और यहाँ पे मछली एक साइड से फ्राई हो गई है, अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आपको इसे हल्के हाथों से चलाना है, वरना मछली टूट भी सकती है। और यहाँ पे दोनों साइड से अच्छी गोल्डन क्रिस्पी हो गई है, तो अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। और यहाँ पे आप सुनिएगा ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो इसी तरीके से हम बाकी की बची हुई मछलियों को भी फ्राई कर लेंगे। जब ये एक साइड से क्रिस्पी हो जाएंगे तभी आपको इसकी साइड को चेंज करना है, और दोनों साइड से हम इसे क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मछली फ्राई हो गई है, अब हम इसे ऑयल से निकाल कर लेंगे सर्व। तो यहाँ मैंने इसे सर्व किया है सैलड के साथ में। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व करिए, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बड़ी मछली से भी ज़्यादा जायकेदार बनती है। तो एक बार आप भी इस रेसिपी को मेरे मेथड से ज़रूर ट्राई करिएगा, आपकी फ़िश फ्राई भी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।